Hi guys, this is Nikhil Agrawal and once again welcome back to my YouTube channel. If you are new, then do subscribe and press the bell icon. I know you lot of guys have done workout at the gym with dumbbells, with barbell and lot of heavy equipments, right? But this time we are going to do workout with the two bricks, which is very simple, which is very affordable, right? In this lockdown period, no gym has been opened, right? So hum log ko bahana mil chuka hai ki yaar अभी तो जिम बंद है, सिर्फ हम लोग खाएं और सोएं, राइट? बट आप लोग के लिए मैं इस बार सॉल्यूशन लेके आया हूँ. मैं जो है फॉर ईच मसल्स मैं जो है इंडिविजुअल वीडियोस बनाने वाला हूँ, फॉर चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, लेग्स, एब्स, एवरीथिंग, राइट? बट आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ चेस्ट के कुछ ऐसे वर्कआउट्स जो आप अपने घर पे रह के कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर और मैक्सिमम आप 40-45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? So without any delay, let's get started. So before going to start the workout, हम लोग पहले stretching करेंगे. No matter आप कौन से muscle का workout कर रहे हैं, but हमेशा आप 2 मिनट के लिए जो है ना stretching जरूर कर लीजिएगा. अभी जैसे chest के लिए तो एकदम freely आप खड़े हो जाइए और हाथ को जो है ना reverse आप cross घुमाते रहिए थोड़ा सा. So the very first workout will be the decline key press. अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि decline key press कैसे करते हैं. But before that we need these two bricks जो ईट है. But आप जब इस workout को करते हैं आप ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिए कि आपका जो ये hip है, ये hip ऊपर तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ जो है ना contract रहेगा, squeeze रहेगा. Bricks को उठाना है और इसको आपको क्रॉस मलाना है, क्रॉस लाइक दिस. अगर आप एक बिगनर हैं तो आप नॉर्मल ऐसा भी कर सकते हैं, सिंपली अप एंड डाउन. बट आप थोड़ा सा एडवांस लेवल में हैं और आप चाहते हैं आपका मसल्स को और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आप इसको ट्विस्ट कर दीजिए नीचे आते समय. जब नीचे आ रहे हैं तो इनहेल करना है लाइक दिस. इनहेल, ऊपर जा रहे हैं, एक्सहेल. Inhale from the nose, exhale from the mouth. Lower chest को contract करना है, right? आप ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा. Second variation is floor close grip press. आपको लेटना है, दोनों bricks को एकदम close रखना है. अब आपका movement ऐसा रहेगा, ये like this. एल्बो बाहर की तरफ रहेगी और जो ब्रिक्स है वो चेस्ट के सेंटर में आएगा. जब आप नीचे आ रहे हैं इनहेल फ्रॉम द नोज, जब आप ऊपर जा रहे हैं एक्सहेल फ्रॉम द माउथ. जब नीचे आ रहे हैं थोड़ा सा स्लो आना है आप लोग को, 1-2 सेकंड होल्ड रखना है एंड अगेन अप. द थर्ड वेरिएशन इज पुल ओवर प्रेस. बट फॉर दैट वी नीड ओनली वन ब्रिक. आप ऊपर रखे, राइट? आप एक बार डाउन ला के अप करिए, देन बैक स्ट्रेट. यू डोंट नीड टू बेंड योर एल्बो, आपको स्ट्रेट रखना है जब आप पीछे लेके जा रहे हैं. अगेन डाउन, एल्बो बाहर की तरफ रहेगी. नीचे जा रहे हैं, इनहेल करिए फ्रॉम द नोज. When you are going up, exhale from the mouth. Same here. Inhale, exhale. Fourth variation, which is floor flies. Flies करना, right? हमको दोनों bricks की जरूरत पड़ेगी इसमें. Like this. और we have to go downside. आपके जो आर्म्स है वो स्ट्रेट रहेंगे. स्लोली गो डाउन, होल्ड फॉर ए सेकेंड, कम अप. व्हेन यू आर गोइंग डाउन, इनहेल फ्रॉम द नोज, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, कम अप, एक्सहेल फ्रॉम द माउथ. When you are coming up,
राइट, आपको मसल्स अपना चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्क्वीज करना है फ्रॉम द बोथ साइड। लाइक जब आप ये ऊपर गए राइट, ये तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को आपको एकदम टाइट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है पूरा, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो। और जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा उतना ज़्यादा आपका मसल्स जो है एंगेज होगा, एंड एट द सेम टाइम आपका मसल्स भी उतना जल्दी ग्रो करेगा, राइट। सो कीप इन दिस इन योर माइंड। सो नाउ द फिफ्थ वेरिएशन इज स्टैंडिंग इंक्लाइन फ्लाइज। फॉर दैट वी नीड टू ब्रिक्स एंड सी हाउ यू कैन डू दिस वर्कआउट। देयर्स टू ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज आप राइट साइड से जो है ना पहले कंप्लीट करिए लाइक दिस, और जब इस राइट हैंड से हो जाएगा देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द लेफ्ट हैंड, राइट। एंड द सेकेंड ऑप्शन दैट इज आप एक बार राइट का करिए, एक बार लेफ्ट का करिए। अब द मिस्टेक विच पीपल डू, ये हाथ जो है ना आपको सीधा नहीं रखना है, राइट, आपके अपोजिट शोल्डर के फ्रंट में लाना है लाइक दिस। अगर आप राइट का उठा रहे हो तो लेफ्ट शोल्डर की तरफ आना चाहिए, और आप लेफ्ट का उठा रहे हो तो राइट शोल्डर की तरफ आना चाहिए लाइक दिस। जब ऊपर ले रहे हो इनहेल, कमिंग डाउन एक्सहेल, इनहेल फ्रॉम द नोज, एक्सहेल फ्रॉम द माउथ। जब आप इसको कर रहे हैं राइट, एक चीज आप जरूर ध्यान दीजिए, जब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ वी आर डूइंग दिस फॉर इंक्लाइन, राइट। इंक्लाइन मतलब क्या हुआ, ये पोर्शन के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आप ऊपर ला रहे हैं यहाँ पे फोकस करिए, ये जो मसल्स है ना ये स्क्वीज होना चाहिए पूरा, ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ होना चाहिए, राइट। एल्बो जो है ना इसको जो है आप पूरे स्ट्रेट मत रखिए, थोड़ा सा बेंड, राइट, थोड़ा सा बेंड रहेगा लाइक दिस। सो नाउ द सिक्स्थ वेरिएशन इज डेफिसिट पुशअप्स। इसमें भी दो तरीका करने का। द वेरी फर्स्ट वन इज आप इसको ऐसा कर सकते हैं, लैंडस्केप बोर्ड में रख सकते हैं, विच इज वेरी सिंपल फॉर मी एंड द हार्ड कोर। द सेकेंड ऑप्शन इज आप इसको पोर्ट्रेट मोड पे खड़ा कर दीजिए। सो अब करना कैसे है, सी इसको रखे हम लोग पूरे अपने पाम से जो है ना इसको अच्छे से पकड़ लेना है ताकि ग्रिप बन जाए, और आपको पुशअप्स करना है। वेन यू आर गोइंग डाउन इनहेल फ्रॉम द नोज, होल्ड फॉर ए सेकेंड, अप एक्सहेल फ्रॉम द माउथ। आपको अपना हिप का भी ध्यान रखना है, उसको ज्यादा ऐसा नीचे लेके नहीं करना है, राइट। अगर आप इसको ऐसा नीचे लेते हैं दिस इज रॉन्ग, आपको प्रॉपर बैलेंस रखना है। सो द लास्ट वेरिएशन विच इज स्टैगर्ड पुशअप्स। अब हमको इसमें दो ब्रिक्स की जरूरत नहीं है, वी वॉन्ट ओनली वन। अगेन इसमें आप ऐसा भी रख सकते हैं लैंडस्केप में, या फिर पोर्ट्रेट में रख सकते हैं। एक हाथ आपको यहाँ रखना है, एक हाथ आपको फ्लोर पे रखना है लाइक सी। अगेन इनहेल फ्रॉम द नोज व्हेन यू आर गोइंग डाउन, व्हेन यू आर कमिंग अप एक्सहेल फ्रॉम द माउथ। सेम विद द राइट साइड एज वेल। अब हम जब इसको कर रहे हैं राइट, इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि हम लोग सिंगल, जैसे अभी मैं राइट तरफ ब्रिक्स रखा हूं तो ये मेरा राइट वाला जो मसल्स है ना, राइट साइड वाला जो चेस्ट है, इसमें ये सबसे ज्यादा लोड डाल रहा है, फोकस कर रहा है ये, राइट। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लास्ट में रखिएगा, बिकॉज अगर आप इसको स्टार्टिंग पे कर लेते हैं तो आपके अंदर जितना स्टेमिना बचा हुआ है ना, मे भी ऐसा हो सकता है कि वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। इसीलिए मैं इसको लास्ट में करता हूँ, और आप लोग को भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप लास्ट में करिए। सो यही था आज का हमारा एपिसोड, विच आई कैन से सो सेवन वेरिएशन से होपफुली आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ, और आप इसको करें। अभी अगला वीडियो जो है विच विल कम फॉर द बैक एक्सरसाइज, ये तो चेस्ट का था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप खुद भी इस वर्कआउट को करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो डू दिस वर्कआउट एट देयर होम। एनीवेज टेक केयर गाइज, आई लव यू ऑल, विल मीट वेरी सून। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब, कमेंट, दैट्स ऑल।